हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे बुक रिव्यू की सीरीज में आज मैं एक ऐसे बुक के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आपको आपके ही अंदर के सब्सटेंस के बारे में बहुत आसानी से और बहुत क्लियरली से समझने और समझाने में काफी मदद करेगा। एक बार पहले एग्जांपल कंसीडर करते हैं। आप जिस कमरे में बैठ करके ये वीडियो देख रहे हैं उस कमरों में कई सारे दीवार होंगे। दीवार को आप एक बार नजर लगाइए, आपको लगेगा कि इसमें कौन सी खास बात है। लेकिन जब आप दीवार के अंदर लगाए गए ईंट, रेत और सीमेंट के बेसिक स्ट्रक्चर को इमेजिन करेंगे तो आपको लगेगा ये तो बाहर से कुछ अलग है और अंदर से कुछ अलग है। आज मैं जिस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाला हूं वो सब्जेक्ट कुछ ऐसा ही है, वह है आपका हिस्टोलॉजी। जब कभी भी हम बात करते हैं अपने शरीर के बारे में तो आपको पता है कि बेसिक यूनिट है इसका सेल, और अलग अलग सेल मिलकर के हमारे बॉडी में बनाने लगते हैं अलग अलग सब्सटेंस, जिसको फाइनली हम बोल सकते हैं एक बॉडी के रूप में बनते हैं। तो हमने आज तक मोस्ट ऑफ द केसेस अगर मैं बात करूं तो हमने केवल उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा है, एक रे डायग्राम देखा है या तो स्ट्रक्चर्ड किया हुआ डायग्राम देखा है। बहुत कम जगह या बहुत कम डिसिप्लिन्स में हम इनके इंटरनल और रियल इमेज को देख पाते हैं, समझ पाते हैं और उसके बारे में बेसिक गैदर इंफॉर्मेशन कर पाते हैं। आज की जो बुक है उसके एक बार नाम को देख ले आप उसके काम को आसानी से समझ जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं जीपी पाल टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्टोलॉजी विद कलर एटलस एंड क्लिनिकल एप्लीकेशन, यानी एक ऐसी किताब जो कि आपको आप ही के बॉडी के अलग अलग टिश्यूज के बेसिक स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में जानकारी शेयर करेगा, एटलस के साथ, मतलब उनके बेसिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट के साथ और क्लिनिकल रिलेवेंस के साथ। और ये एक ऐसे पब्लिकेशन हाउस की बुक है जो मेडिकल के फील्ड में एक अच्छी पहचान बना चुकी है, यह है पारस मेडिकल पब्लिशर्स। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं इस बुक के कुछ हाइलाइट्स के बारे में। इसके बहुत सारे हाइलाइट्स हैं जिनको आपको मैं ओरली कम समझा पाऊंगा, इसीलिए इसके जो बेसिक डिटेल हैं वो अपने पैरेलली देख सकते हैं वीडियो के साथ में, कि कौन कौन से टेबल ऑफ कंटेंट आपको मिलेंगे, कौन कौन से बेसिक सैंपल्स जो आपको मैं दिखाने वाला हूं उसी सैंपल को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी किताब में आपको और कितने अच्छे चीजें मिलने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ बुक मार्क्स मैंने लगाए हुए हैं, इन बुक मार्क्स को मैं आपको बता दूं। हाँ, एक चीज तो मैं आपको बताना डिस्कस करना भी भूल जा रहा था कि ये एक लेटेस्ट एडिशन है और ये काफी इन्हेंसमेंट के साथ आई हुई है। इसकी जो पेजेस क्वालिटी है वो काफी अट्रैक्टिव है और ये पेज ऐसे ग्लॉसी पेज में है कि ये आपका काफी लंबे समय तक साथ देंगे, इसमें किसी भी तरह का पीलापन या खराब आने के चांसेस नहीं रहेंगे जैसा कि कुछ बुक में होता है, और ये आपको लंबा समय साथ देगा। इसका जो बेसिक एडिशन अभी आया है वह है फिफ्थ रिप्रिंट और ये आप देख सकते हैं 2022 में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंटेंट के बारे में देखना। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके कंटेंट्स के बारे में जो आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको सेल के बारे में मिलेंगे, बेसिक्स ऑफ टिश्यू के बारे में मिलेंगे, टिश्यू के बारे में भी बायफर्गेशन है, उनको मैं स्किप कर रहा हूं, आप पैरेलल देख लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम के बारे में, देन वी विल कम टू द बेसिक कॉम्पिटेंसी टेबल जो कि आपके एमबीबीएस के करिकुलम को ध्यान में रख के बनाया गया है, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल होगा, वो भी आप देखते चलिएगा। अब हम बात करते हैं इसके उन हाइलाइट्स का जिनका एक मेडिकल स्टूडेंट्स को और एक ऐसे स्टूडेंट्स को जिसके सब्जेक्ट में ये हिस्टोलॉजी इंक्लूड है उनको जानना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी की, तो आपको सेल के बेसिक स्ट्रक्चर तो पता होने चाहिए। सेल के स्ट्रक्चर के साथ उनका जो रियल इमेज है उसको अगर आप देख सकें, कंपेयर कर सकें, तो ये होता है सोने पे सुहागा, यानी कि बेसिक चीजों को समझते हुए आप रियल चीजों को देख पा रहे हो। और यहां पे आप सेल के साथ जो उनका रिप्रेजेंटेशन मात्र है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ड्रॉ किया गया है, उसके साथ आप उनके रियल इमेज को भी देख सकते हो स्लाइड के फॉर्म में। ये आपको दिखा रहे हैं कि सेल के डिफरेंट टाइप्स, सेल के अंदर जो मूवमेंट है वो कैसा है और उनके साथ में उनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है। आप माइक्रोटिब्यूल, सेंट्री के बारे में जानते हैं जो सेल डिवीजन के लिए पूरा का पूरा डेडिकेटेड है, वो बेसिकली दिखते कैसे हैं, उनकी स्टडी कैसे कर सकते हैं, वो आप यहां से देख सकते हैं। जब हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी ड्रग का इवेल्युएशन करते हैं किसी एक्सपेरिमेंटल एनिमल पे, तो फाइनल स्टडी का कंक्लूजन इसी बात पे डिपेंड करता है कि उनकी हिस्टोपैथोलॉजी क्या कहती है, उनकी हिस्टोलॉजी की स्टडी क्या आउटकम लेकर के आती है, उसी पर सब कुछ हमारा डिपेंड होता है। और यहां से आप देख सकते हैं कि हर एक पेज में आपको बहुत ही ल्यूसिड फ्लो चार्ट दिया गया था जो आप पहले भी देख चुके हैं, साथ साथ उनके डायग्रामिक
मैथमेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखाई दे रहे हैं ताकि आप चीजों को पैरेलली देखते हुए आगे बढ़ सकें। साथ में आप देखोगे कि कुछ ऐसे कंटेंट को हाईलाइट किया गया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर भी आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हिंट्स टू स्टूडेंट। तो अगर आप लास्ट मोमेंट में इनका कंक्लूजन देखना चाहते हैं तो इन्हीं टेबल को आप पढ़ लीजिए, आपके काफी नारे नॉलेज में इंप्रूवमेंट होने लगेगा। बेसिक टूसो के बारे में अगर आप देखते हो तो आप इनके स्ट्रक्चर भी देखते चलिए और साथ में इनका जो रियल हिस्टोलॉजी है वो भी देखते चलिए कि कैसे उनकी स्टडी होती है, कैसे वो दिखते हैं। यहां पे भी आप देख लीजिए टिश्यू की जो अलग अलग टाइप है, एपिथेलियल है, स्क्वेमस है, कॉलमनर है, कॉलमनर से रिलेटेड है, उनका भी आप स्ट्रक्चर वाइज यहां पे देख सकते हैं। और जब कभी भी इनको लगता है, यानी कि इस पब्लिशर को लगता है कि कुछ चीजें खास हैं जिनका जानना आपके लिए जरूरी है, तो वहां पे बड़ी सादगी से आपके लिए वो हाईलाइट भी ऐड कर दे रहे हैं। जैसे यहां पे एक पॉइंट दे दिया है रिमेंबर का, तो यहां पे कुछ वो खास बातें होंगी जो आपके नॉलेज में बूस्ट करने का एक महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करती है। आगे बढ़ते हैं तो अगले सेक्शन पे देखिए जो अलग अलग टिश्यूज हैं, इनका बाइफर्केशन भी दिया है, सिंपल कॉलमनर, क्यूबॉइडल, माइक्रोविली, इन सब का जो रियल इमेज है वो आप नीचे उन्हीं के देख सकते हैं डेडिकेटेड तरीके से, ताकि हमको लगे कि यार ऐसा भी होता है, ऐसा ही दिखता है। क्योंकि हम में से काफी लोगों ने अपने सब्जेक्ट में, अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं जैसे फार्मेसी के वाले बच्चे हैं, BHMS कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, तो हमें बहुत अधिक अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं तो भी हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, रियल इमेज पे हम बहुत कम जाते हैं। बट अगर आप इनके साथ रियल इमेज को टैली कर लो तो आपका जो इंटरेस्ट है टुवर्ड द सब्जेक्ट वो थोड़ा और डेप्थ पे चला जाएगा। यहां पे देखिए आपको हर एक चीज का क्लियर द इनसाइड व्यू, स्ट्रक्चर वाइज, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वाइज बोलना चाहिए, वो आपको दिख रहा है। तो ईच एंड एवरी पेज कंटेन द ओरिजिनल स्लाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर टिश्यू। यहां पे आप उनके मूवमेंट, उनके फंक्शन, उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी आप देख सकते हो। जैसे हम यदि इसी की बात करें, जो सिलेटेड पार्ट होते हैं, ब्रश जैसा स्ट्रक्चर होता है, इनको आप देखोगे तो ये माइक्रोविली कितने शानदार नजर आ रहे हैं, जो कि प्रिपरेशन करने में काफी मदद करते हैं। यहां भी पॉइंट दिया गया है, रिमेंबर कि माइक्रोविली आर स्मॉल फिंगर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक, अगर ये हमारे हथेली में ये फिंगर है तो ये इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जिनका इमेज भी आप अगर देखोगे तो आपको साफ नजर आ रहा है और वो कह भी रहा है। तो हर एक चीज का जस्टिफिकेशन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू है। इवन दो इस अगर ये टेस्ट बर्ड है, स्वेट ग्लैंड है, सीबम ग्लैंड है, हर एक चीजों का आप यहां पे जो बेसिक है वो देख सकते हैं। और अगेन जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होता है तो उसके लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट हिंट्स टू स्टूडेंट्स की तरफ से मिल जाएगा, ताकि आप इनको पढ़ के समझ सकें, किसी और टॉपिक को रिकॉल या टैली करने में आपको बहुत आसानी से निकल जाए। इंट्रोडक्शन टू कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट, जो कि टिश्यू के अंदर हम पढ़ रहे हैं तो उनके कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर आप यहां पे देख पाओगे कि कौन से टिश्यू का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है। और यहां पे आप देख लीजिए सिंथेसिस ऑफ कोलेजन फाइबर विद इन एंड आउटसाइड द फाइब्रोब्लास्ट, तो उनका एक ल्यूसिड फ्लो चार्ट है, बहुत आसानी से, बहुत क्लियरली, एकदम वन टू वन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये चीजें कहां से कहां मूव कर रही हैं, वो आप यहां पे देख सकते हो। साथ साथ उनके जो बेसिक के साथ रियल इमेज है वो भी आप यहां देख सकते हैं। इलास्टिक लैमेला एज सीन इन लार्ज आर्टरी, जो कि एक स्पेसिफिक माइक्रोस्कोपिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, यहां से आप देख सकते हो। यहां पे आपको कंपेरिजन ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन द कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स के बीच में मिल जाएगा कि प्रॉपर्टी क्या है, कोलेजन का क्या डिफरेंशिएशन है इलास्टिक के साथ, इलास्टिक का क्या डिफरेंस रेटिकुलर के साथ, और आपस में इनका क्या क्या खास प्रॉपर्टी है वो भी आप इनको देख सकते हो। वैसे तो हर एक पेज में आपको इस तरह के स्लाइड्स मिल जाएंगे, लेकिन हर एक पेज को टैली कर पाना, आपको दिखा पाना फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे मैं कुछ उन्हीं खास चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि अट्रैक्शन का पॉइंट हो सकते हैं आपके लिए, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप अपने पैरेलली देख सकते हैं। यहां पे भी देखिए टिश्यू के अंदर दिखाया गया है। जब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर ड्रग के इफेक्ट की, एग्जाम्पल अगर अपनी बात करें तो हमने अपने जो एक मेजर प्रोजेक्ट है इस पे हमने इफेक्ट स्टडी करी थी ड्रग की, कि वो आपके लीवर पे कैसा इफेक्ट शो करता है। तो लीवर पे स्टडी करने के लिए आप तो बायोकेमिकल पैरामीटर पे जा सकते हो, SGPT, SGUT, बिलीरुबिन, ये सब चीजें पे जाएंगे ही जाएंगे। बट एक्चुअली में हमको जो पूरा क्लियर कट ओव्यूलेशन मिलेगा वो होगा आपका हिस्टोलॉजी, कि उनके लीवर के टिश्यूज पे क्या इफेक्ट पड़े हैं हमारे, किस ड्रग का कैसा रिस्पॉन्स है, क्या वो रिजेनरेट कर रहे हैं या वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उन सब की स्टडी तो हिस्टोपैथोलॉजी करके ही हमको समझ में आएगी। और उसके लिए ये हिस्टोलॉजी की बुक समझना बहुत जरूरी है, और वो आपकी मदद कर रहा है ये GP पाल की बुक, टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्टोलॉजी। यहाँ पे देखिए हर एक चीजों का क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है, डायग्रामेटिक के साथ साथ इनका रियल है। और यहाँ पे एक चीज और, वो है क्लिनिकल एप्लीकेशन।
ये चीजें भी आपके लिए काम आएंगी कि इस जानकारी को जो आपने पढ़ा समझा देखा है उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, कहां उसे आप अप्लाई कर सकते हो, बेसिक चीजों के बारे में देख सकते हैं, जो प्रॉब्लम थी कुछ स्पेसिफिक की वो भी आप यहां पे देख सकते हैं। यहां पे देखिए आपको जो बोन की डेंसिटी की कमजोर होने के पीछे कारण है पोरोसिटी, वो भी यहां पे आप देख सकते हो कि कैसे वो पोरस हो रहा, स्पॉन्जी बोन बन रहे, वो भी यहां पे आप देख सकते हैं। हर एक पेज पे आपको इसी तरह के जो कलर स्लाइड्स हैं, माइक्रोस्कोपिक इमेज है, वह आपको दिखेगा। क्लिनिकल एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे, कुछ बेसिक जो डायग्राम है वो देखने को मिलेगा, और खास बात यह है कि जो रियल इमेज है वह आपको भरपूर यहाँ पे मिल जाएगा माइक्रोस्कोपिक व्यू के तरीके से। सो यहाँ पे देखिए, अगर हम इंटीग्रेटेड सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली स्किन के बारे में बात करेंगे, स्किन के बेसिक पार्ट्स के बारे में आप देखोगे, उनकी जो रियल सेक्शन इमेज है वो कैसी है, उनके फंक्शन देखेंगे, उनके अलग अलग जो फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्किन शोइंग द एपिडर्मिस वो आप देख पाओगे, हर एक चीज यहाँ से आपको मिलेगा। तो ये पूरे आपके सिलेबस से मैच करता हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्लिनिकल हिंट है, एप्लीकेशन है, डिफरेंशिएशन है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ म्यूकोसा ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट उनका डिफरेंशिएशन देख सकते हैं, डायग्राम के साथ देख सकते हैं, टेबल के साथ में देखते हैं। मतलब एक ऐसी किताब है जो आपके पास होनी चाहिए तो आपकी लाइब्रेरी अपने आप बनती जाएगी और कॉन्सेप्ट जो है अपने आप क्लियर होता चलेगा। यहां पे भी देख लीजिए कैसे इसमें रियल माइक्रोस्कोपिक रिप्रेजेंट किया है, सेक्शन ऑफ लीवर शोइंग द लोब्यूल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंट्रल वेन्स कि कैसे इनमें रप्चर हो सकते हैं, या उनके कैसे बेसिक हिस्टोलॉजी है। अब आप एक चीज सोचिए, अगर आपको बेसिक हिस्टोलॉजी पता है कि ये चीजें ऐसी हैं, ऐसा होना चाहिए, नेचुरली ऐसा हो सकता है, नॉर्मल में ऐसा है, तो उसमें किसी तरह की अगर आप नॉर्मेलिटी नजर आ रही है तो आप आसानी से वो चीजें कोरिलेट कर सकते हो क्लिनिकल रिवेलेंस के साथ में कि ये प्रॉब्लम है। अगर ये ओके है, जैसा होना चाहिए था, तो बिल्कुल ओके, नथिंग इज रॉन्ग विद दैट। सो ये चीजें हमको बेसिकली पता तो हो तब तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, अदरवाइज बिना डिफरेंशिएट किए क्या कंडीशन कैसा है वो वहां पे पहुंच पाना थोड़ा टफ होगा आपके लिए। तो वैसे ही आपको हर एक चीज में आपको ये कलर इमेज दिखने को मिलेंगे, कितने अच्छे क्वालिटी में है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। जब आप इसको यूज टू हो जाओगे प्रैक्टिस में तो और भी काफी अच्छे तरीके से ये जो डायग्राम है खुद से आपको एक्सप्लेन करेंगे, सेल्फ एक्सप्लेनेशन इनका आपको सुनने को मिलने लगेगा। एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारे हॉर्मोन्स हैं वो कैसे रिलीज होते हैं, डक्ट कैसे है, वो सब आप यहां से देख सकते हो। लास्ट में आपको क्लिनिकल एप्लीकेशन भी मिलेगा, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, उनका ब्लैक एंड व्हाइट रिप्रेजेंटेशन, साथ में माइक्रोस्कोपिक स्लाइडिक रिप्रेजेंटेशन, जो आपके ट्यूब्यूल्स हैं, यूरिनरी सिस्टम के अंदर कैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन काम करता है, कैसे पीसीटी और आपके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके सेक्शंस आप देख सकते हो, कैसे लैमिला हम देख सकते हैं, लंग्स का, ब्रोंकिया का, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप वो चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट, ताकि वो अपने नॉलेज को बूस्ट कर सके। मतलब एक बार मन करता है ना यार किसी चीजों को देखें कि वो चीजें दिखती कैसी हैं। दीवार की चीजें अगर आप देखोगे तो दीवार आपको बढ़िया प्लस्टर लगा हुआ नजर आएगा, लेकिन उसके अंदर की चीजें देख पाए तो कौन चीजें कैसी हैं, कैसे रियल में दिखती हैं, वो तो अपने आप में एक अलग ही इंटरेस्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको छोटा सा रिव्यू, क्योंकि हमारे पास टाइम का बहुत लिमिटेड होता है, हम हर एक पेज को तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे और ना दिखा पाएंगे, तो हम एक चीज कोशिश करते हैं कि आपको ये पता चले कि इस सब्जेक्ट के ऊपर आपके पास कितनी अलग अलग तरीके की किताबें मार्केट में हैं। तो हम हर किसी को परचेज करके देख नहीं सकते, देख के जरूर परचेज कर सकते हैं। तो हमने आपके लिए ये सीरीज शुरू की थी बुक रिव्यू की, जहां पे हम मैक्सिमम पॉसिबल बुक को आपके लिए लेके आते हैं, उनके प्लस पॉइंट, उनके जो हाईलाइट है वो बताते हैं, कुछ सजेशंस लगते हैं तो हम उनको देते हैं, ताकि आप खुद से एनालाइज कर सको कि विच बुक इज बेस्ट सुटेबल फॉर यू फॉर योर करिकुलम एक्टिविटीज। तो ये आपके लिए काफी यूजफुल होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसे परचेज करना चाहेंगे तो आप डायरेक्टली पारस मेडिकल पब्लिशर से भी परचेज कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट, अमेजन, जहां पर भी आपको मिले वहां से आप ले सकते हैं। इट्स अ कंप्लीटली नॉन बायस रिव्यू, हमने कोई पेड प्रमोशन नहीं करा है, इसके पीछे कोई पेड प्रमोशन का मोटिव नहीं है, एक सिंगल पैसे भी हम चार्ज नहीं करते हैं। हमको जो बुक अच्छी लगती है या आप जो डिमांड करते हो उनसे हम रिक्वेस्ट करके वो बुक की रिव्यू आपके लेकर के आते हैं। थैंक यू अगेन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।